दर्शकों, सियासत में एक कहावत है कि जब आपके अपने ही आप पर सवाल उठाने लगे तो विपक्षी दल जो है वो चुटकी लेने से बाज नहीं आता है। दरअसल मध्य प्रदेश में सत्ता के विधायक और कुछ पार्षद ही अपनी ही पार्टी पर जब उंगली उठाने लगे तो कांग्रेस के नेताओं ने जमकर चुटकी ली है। पूरी खबर क्या है, विस्तार से इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। प्रदेश में बीजेपी विधायक अपनी ही सरकार से परेशान है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि एक नहीं बल्कि कई बीजेपी विधायकों ने पुलिस के लचीलेपन से परेशान होकर शिकायतें दर्ज की हैं, जिसके बाद कांग्रेस को बैठे बिठाए एक मुद्दा भी मिल गया है। कांग्रेस का कहना है कि जब बीजेपी सरकार में उन्हीं के विधायकों की नहीं सुनी जा रही तो फिर आम आदमी की बात क्या सुनी जाएगी। मध्य प्रदेश में बीजेपी विधायक परेशान है, पुलिस उनकी एक नहीं सुन रही है। इससे परेशान होकर कोई पुलिस के सामने दंडवत दे रहा है या फिर इस्तीफा भेज रहा है। आपको हर एक परेशान बीजेपी विधायक के बारे में विस्तार से बताते हैं। बात सबसे पहले सागर के देवरी से बीजेपी विधायक ब्रिज बिहारी पटेरिया की। एक शख्स की सांप के काटने से मौत हो गई। डॉक्टर ने मृत्यु प्रमाण बनाने के लिए 40,000 रुपए मांगे थे। इसी को लेकर पीड़ित परिजन पुलिस थाने पहुंचे। वहीं पुलिस के एफआईआर ना दर्ज करने पर विधायक इतने नाराज हो गए कि उन्होंने पुलिस थाने से ही अपना इस्तीफा भेज दिया। उन्होंने कहा, जब पुलिस एक विधायक की सुन ही नहीं रही तो मेरे विधायक होने का क्या मतलब। ऐसा निर्वाचित विधायक होने का कोई मतलब नहीं है। मैं निर्वाचित विधायक हूँ, यदि विधायक को खुद आना पड़े पुलिस थाने में पीड़ित पक्ष की रिपोर्ट लिखवाने के लिए और ना लिखी जाए, इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है। और वो भी सत्ता पक्ष के विधायक, कहता हूँ तुमने उठा लिया, मैंने दे दिया इस्तीफा, ऐसी विधायक मुझे नहीं करना। दूसरी खबर रीवा जिले से, जहां मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल लगातार पुलिस से नशे के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे। उनके विधानसभा क्षेत्र में लगातार नशे का कारोबार चल रहा है। कार्रवाई नहीं होने के कारण एसपी दफ्तर में जाकर उन्होंने दंडवत कर इंसाफ की मांग कर डाली। तीसरी खबर कटनी से है, जहाँ विधायक संजय पाठक ने कहा कि मैंने कई बार देखा है कि जबलपुर, कटनी और भोपाल स्थित मेरे घर के बाहर कई लोग संदिग्ध परिस्थितियों में नजर आते हैं। सुनिए क्या कहा नेताजी ने। पूर्व में भी मैंने कटनी एसपी को और डीजीपी को पत्र लिखा है कि मेरे घर के आसपास कई बार मैंने देखा है, कटनी में भी, जबलपुर में भी और भोपाल में भी, संदिग्ध परिस्थितियों में मुझे कुछ लोग पिछले 6-8 महीने, एक साल से मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि लोग मेरे को फॉलो कर रहे हैं, कुछ लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं, कोई बड़ा षड्यंत्र इसके पीछे समझ में आ रहा है। ये केवल एक आधार का छोटा मामला नहीं है, ये कोई गंभीर और गहरी षड्यंत्र और साजिश है। तो मैं तो अभी एसपी साहब को आज फिर पत्र लिख रहा हूँ और अब तो पूरे परिवार का भी आधार कार्ड भी चेक करा रहा हूँ और प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि इसको जल्दी से जल्दी, इसका और जितनी जल्दी खुलासा हो सकता है। चौथी खबर पाटन से है, बीजेपी विधायक अजय बिश्नोई ने पुलिस के सामने दंडवत होने का वीडियो पोस्ट कर एक्स पर लिखा, प्रदीप जी आपने सही मुद्दा उठाया, पर क्या करें, पूरी सरकार ही दंडवत है शराब ठेकेदारों के आगे। सिर्फ विधायक ही नहीं बल्कि बीजेपी के पार्षद भी काफी परेशान हैं। ग्वालियर में बीजेपी पार्षद अपर्णा पाटिल ने एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में उन्होंने सड़क पर शराब पी रहे लोगों को दिखाया। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने सारे मध्य प्रदेश के अहाते बंद कर दिए गए हैं, लेकिन देखिए आपके राज्य में ये क्या चल रहा है। पूरी रोड पर, ये पूरा रोड देखिए, अहाते ही अहाते आपको यहाँ पे नजर आएंगे। मुझे आश्चर्य होता है कि ये हमारे मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है अहाते बंद करवाने की, आप इस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं। अब इन तमाम मामलों के सामने आने के बाद कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। ऐसा प्रतीत होता है कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी की सरकार अस्थिर है। जिस तरीके से प्रदेश में इनके ही विधायक अभी या तत्काल में का मामला जो सामने आया है, उसमें देवरी के विधायक ने इस्तीफे की पेशकश की है, ऐसा मामला सामने आया है। और उसके बाद आप देखेंगे कि लगातार इन्हीं के विधायक साष्टांग है पुलिस के सामने, और कई ऐसे मामले, कैलाश विजयवर्गीय जी हो, बिश्नोई जी हो, तमाम लोग गुहार लगा रहे हैं। लेकिन ये सरकार पता नहीं किस स्थिति में है और पूरे तरीके से अस्थिर दिखती है।
फिलहाल एक के बाद एक बीजेपी विधायकों के सामने आने से सरकार भी परेशान है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए दर्शकों आगे बढ़ेंगे। दरअसल सोचिए क्या हो जब आप हवा में हजारों फीट की ऊंचाई पर मौजूद हो और आपको ये पता चले कि आप जिस फ्लाइट में मौजूद हैं दरअसल उसकी लैंडिंग में बहुत ज्यादा परेशानी है और आपकी फ्लाइट हवा में ही लगातार चक्कर काटती रहे। कल एक ऐसी ही खबर ने देश को कई घंटों तक परेशान करके रखा। ये पूरा मामला है क्या, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि देर शाम एयर इंडिया की फ्लाइट AX-B613 के साथ हुआ है जिसमें 140 यात्री सवार थे। जो केरल के त्रिची से शारजाह जा रहा था लेकिन लैंडिंग से पहले ही हाइड्रोलिक फेल होने के कारण विमान हवा में ही चक्कर लगाने लगा। इधर जैसे ही खबर एयर इंडिया को लगी हंगामा शुरू हो गया। आनन फानन में त्रिची एयरपोर्ट पर एम्बुलेंस और दमकल की गाड़ियों का रैला लग गया। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए इमरजेंसी सुविधाएं एक्टिव कर दी गईं। हजारों फीट की ऊंचाई पर प्लेन करीब गोल गोल चक्कर लगा रहा था। आखिरकार फैसला लिया गया कि प्लेन की बैली लैंडिंग कराई जाएगी ताकि प्लेन में मौजूद फ्यूल को खत्म किया जा सके। लेकिन बैली लैंडिंग का जो फैसला लिया गया वो होता क्या है? तो बैली लैंडिंग एक विशेष तरह की विमान लैंडिंग है जिसमें विमान में कोई गड़बड़ी या इमरजेंसी की हालत में उतारना होता है, तब प्लेन को पेट यानी की बैली को रनवे पर घिसकर उतारा जाता है। इसमें लैंडिंग गियर का इस्तेमाल नहीं होता। लैंडिंग गियर में खराबी होने के बाद बैली लैंडिंग का सहारा लिया जाता है। लेकिन बैली लैंडिंग के लिए जरूरी है कि प्लेन में मौजूद फ्यूल को खत्म किया जा सके। इसके लिए एयर इंडिया के प्लेन को करीब 2.5 घंटे तक हवा में घुमाया गया। सोचिए जब आपको पता है कि लैंडिंग गियर में खराबी है, दूसरी ओर प्लेन गोल गोल घूम रहा है, तो प्लेन में मौजूद यात्रियों की हालत क्या होगी? इस बीच प्लेन की सफल लैंडिंग के लिए दुआएं होने लगी। दुआओं का असर भी हुआ। आखिरकार वो खबर आ गई जिसका सब इंतजार कर रहे थे। करीब 2.5 घंटे बाद प्लेन की त्रिची एयरपोर्ट पर सफल इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और प्लेन में मौजूद यात्रियों ने और क्रू मेंबर्स ने राहत की सांस ली। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए दर्शकों गुड मॉर्निंग भारत में आगे बढ़ेंगे और बात समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी के उस बयान की करेंगे जिस बयान ने राम भक्तों को कहीं ना कहीं से एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल मुलायम सरकार में राम भक्तों पर जो गोलियां चली थी उसे अफजाल अंसारी ने एक सभा के दौरान साहसिक कदम बता डाला। पूरी खबर क्या है इस